नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिवम। प्राइम टीवी की प्राइम डिबेट में आज बात होगी जनसंख्या नीति की। 2019 में देश जब आजादी के 72वें बरस का जश्न मना रहा था, तो लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा था कि छोटे परिवार की नीति पर चलने वाले दरअसल राष्ट्र के विकास में योगदान ही करते हैं, ये देशभक्ति का ही एक रूप है। पीएम मोदी के इसी संदेश को अब सीएम योगी अमलीजामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। करीब 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में अब योगी सरकार नई जनसंख्या नीति लाने जा रही है। साल 2021 से 30 की अवधि के लिए प्रस्तावित नई जनसंख्या नीति को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जारी करेंगे। इस नीति के जरिए लोगों को जनसंख्या रोकथाम को लेकर जागरूक करने के साथ ही उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं पर खास जोर दिया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले समय में इसके घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। जिस तरह से बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा अपना पैर पसार रही है, वो हिंदुस्तान के भविष्य के लिए एक जानलेवा बीमारी की तरह है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है और इसी दिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति जारी करने का ऐलान किया है। यह जनसंख्या नीति वर्ष 2021 से 2030 की अवधि के लिए प्रस्तावित है। नई नीति जनसंख्या को स्थिर करने के प्रयासों को तेज करेगी। इसमें वर्ष 2026 और 2030 तक के लिए दो चरणों में अलग अलग मानकों पर केंद्रित लक्ष्य तय किए गए हैं। योगी सरकार नई जनसंख्या नीति के जरिए परिवार नियोजन उपायों की सुलभता को बढ़ाने, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने के प्रयास करेगी। बीते गुरुवार को ही नई जनसंख्या नीति का खाका सीएम की टेबल पर रखा गया था, जिस पर सीएम ने सहमति की मुहर लगाते हुए 11 जुलाई को इसे जारी करने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने खुद कहा था कि अगर देश और राज्य को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाना है तो जनसंख्या पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि असम की बीजेपी सरकार जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए खुद कानून लेकर आ रही है, जिसके लिए सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की टीम ने एक मसौदा भी तैयार कर लिया है। हाल ही में शर्मा ने कई क्षेत्रों से जुड़े 150 से ज्यादा मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की थी। बैठक में शामिल हुए लोगों ने एक सुर में आवाज उठाते हुए कहा था कि असम के कुछ हिस्सों में जनसंख्या विस्फोट राज्य के विकास के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। अब ऐसे में जब छोटे राज्य ऐसे कानूनों को लाने पर विचार कर रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून की कितनी जरूरत है, शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के दौरान फैली अव्यवस्थाओं से सरकार और जनता को सबक लेने की जरूरत है। जो हालात कोरोना ने पैदा किए, उसने लाखों लोगों को रोजगार छीन लिया। लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, किसी को इलाज नहीं मिल रहा तो किसी को रोटी नहीं मिल रही, और इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ देश में तेजी के साथ बढ़ रही जनसंख्या है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक ओर जहां राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के जरिए लोगों को दो ही बच्चे पैदा करने के लिए जागरूक करने की व्यापक तैयारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून बनाकर सख्त नियम लागू करने पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें अब सिर्फ योगी सरकार को राज्य विधि आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोग इसी महीने जनसंख्या नियंत्रण कानून का खाका सीएम के सामने रखने जा रहा है। आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उससे साफ है कि अगर सरकार ने उसकी सिफारिशें मानी तो दो बच्चे वालों को ही तमाम तरह के लाभ और सहूलियतें मिलेंगी। सरकारी नौकरी से लेकर सरकार की सभी योजनाएं लाभ लेने के लिए कानून का पालन करना बहुत जरूरी होगा।
अगर योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने के बाद कानून भी लाती है तो इस पर विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं एकमत होने से इनकार कर सकती हैं, क्योंकि जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात उठती है तो विरोध के सुर भी उठने लगते हैं। इसके पीछे विरोध करने वालों की क्या मंशा रहती है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन इस समय देश की सबसे बड़ी मांग जनसंख्या नियंत्रण कानून है, जिसे समय रहते अगर लागू नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। और फुट डेस्क प्राइम टीवी। भारत से जुड़ी एक जानकारी मैं आपको बता दूं, भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने परिवार नियोजन की बात की थी। जी हां, 1952 वो साल जब भारत ने परिवार नियोजन की बात की, लेकिन आज हम 2021 में खड़े हुए हैं। क्या परिवार नियोजन से जो फायदा भारत के नागरिकों को होना चाहिए था, या यूं कहें कि परिवार नियोजन का जो लाभ है वो आम जनता को जिस तरह से मिलना चाहिए था, तमाम तरह से नीतियां लाई गई। 2000 से 2016 तक भी जनसंख्या नीति लाई गई और उस पर भी तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वाकई में लोगों को हम जागरूक कर पाए हैं? क्या वाकई में लोगों को इस चीज की अहमियत बता पाए हैं कि छोटा परिवार ही सुखी हो सकता है? शायद नहीं। और इसमें सिर्फ नेताओं की या फिर राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है कि इस चीज को समझा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया है कि 11 जुलाई यानी जनसंख्या दिवस के दिन वो जनसंख्या नीति को प्रदेश के सामने पेश करेंगे, लेकिन इससे कितना लाभ होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आज हम चर्चा इस बात की करेंगे कि आखिर जिस जनसंख्या नीति की हम बात कर रहे हैं उस जनसंख्या नीति का लाभ या उस जनसंख्या नीति की जानकारी आम जनता तक कैसे पहुंचेगी। हम इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले मैं अपने मेहमान का आपसे परिचय करा दूं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से आशीष कोटाड़िया जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी की इस प्राइम डिबेट में। आशीष जी, इस वक्त आप हमारे साथ हैं जनसंख्या नीति पर बात करने के लिए। हम आपसे समझना चाहेंगे जनसंख्या नीति की योगी आदित्यनाथ सरकार बात कर रही है, लेकिन क्या वाकई में जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश में कारगर साबित होगी? आशीष जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। जी देखिए, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद जी। आपने उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जो योगी आदित्यनाथ जी जो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को लेकर प्रस्तुत करेंगे उसके बारे में बात की। देखिए, हमारा विपक्ष का कार्य है आलोचना करना, किंतु अभी तक ड्राफ्ट को प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बिना उनका आकलन के किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना यह अतार्किक होगा। किंतु हाँ, कुछ सुझाव अवश्य है जो इस नई जनसंख्या नीति जो कि वर्ष 2021-30 को लेकर जो ये सरकार प्रस्तुत कर रही है। नंबर वन, हेल्थ सेक्रेटरी जो उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने अपने जो बयान है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्टेट का जो फर्टिलिटी रेट है जो 2.7% है, जबकि वो होना चाहिए 2.1% से बिलो। पूरे देश में सारे के सारे सभी राज्यों ने इस 2.1% के टारगेट को अचीव कर लिया है, एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश और बिहार। जब दूसरी बात आती है, सरकार जनसंख्या कानून लाने जा रही है, तो मेरा साधारण प्रश्न यही है कि क्या ये टू चाइल्ड पॉलिसी को एडॉप्ट करने जा रही है सरकार? यदि जा रही है तो किन की अनुमति से? क्या देश की जनता की और सिविल सोसाइटी और एनजीओ तथा अन्य
लोगों की सहभागिता को इसमें सुनिश्चित किया गया है कि नहीं किया गया है, क्योंकि जब जनसंख्या कानून आप बना रहे हैं, जो कि सरकार का दावा है उत्तर प्रदेश सरकार का कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो चौथा की रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर हमें कानून बनाने जा रहे हैं। और दूसरी बात, अब आई नंबर तीसरी बात, अब यदि सरकार को पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि ई लिटरेसी और एजुकेशन को निरंतर बढ़ावा देना, नंबर दूसरी बात हेल्थ सिस्टम, इनको जितना हो सके उतना यदि हमने स्ट्रिंजेंट किया उतना हम लोगों को लाभान्वित कर पाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का जो फर्टिलिटी रेट है या फिर वो मोर्टालिटी रेट हो, जिसमें कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, फर्टिलिटी रेट की बात हो तो भी उत्तर प्रदेश आज दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे आगे है। तो क्या सरकार ने एक और सरकार जनसंख्या नीति बनाने जा रही है, दूसरी ओर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, ये सारी की सारी व्यवस्था लचर अवस्था में है। तो सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि आप जनसंख्या नीति को आत्मसात करने जा रहे हैं, किंतु दूसरी ओर आप प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और विशेष तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर उनको सुनिश्चित करने का कार्य कीजिए। जनसंख्या नीति के अलावा और भी जो मुद्दे हैं उन पर भी बात होनी चाहिए। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, जनसंख्या नीति की बात हम लोग कर रहे हैं, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जनसंख्या नीति को पेश करेंगे, आपका ओपनिंग कमेंट क्या है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पूरे मंच को सर्वदा धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद कि आपने इतने ज्वलंत विषय को इस समय उठाया है ऐसे छोटे समय पे। देखिए, मेडिकल जनरल नॉलेज के एक रिसर्च के अनुसार ये आंकड़ा सामने दिया गया था कि 21वीं सदी के अंत तक जनसंख्या वृद्धि का क्या हाल होगा। जनरल लॉसेंट, जो मेडिकल जनरल लॉसेंट है, उसने इसमें शोध किया है। 21वीं सदी के आखिर में भारत की जनसंख्या 109 करोड़ ही रह जाएगी इसके अनुसार, पहली चीज। दूसरी बात, इस शोध के नतीजों को पाने के लिए लॉसेंट ने 15 साल से लेकर 49 साल तक की महिलाओं की प्रजनन दर के साथ साक्षरता, परिवार नियोजन आदि मानकों को भी शामिल किया, जिसके आधार पर लॉसेंट ने दावा किया कि भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि शोध में यह भी कहा गया था कि 2048 तक भारत की जनसंख्या करीब 160 करोड़ पहुंच सकती है, लेकिन इसके बाद जनसंख्या में कमी दर्ज की जाने लगेगी। शोध में यह भी कहा गया कि 2048 के बाद भारत में प्रजनन दर गिर के 1.29% तक आ जाएगी। अब राजनीतिक वृद्धि को रोक, देखिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए समय समय पर राजनीतिक दलों की ओर से कानून बनाने की मांग की जाती है, वह सच है। 2014 में मोदी सरकार जैसे आई, उनके सत्ता में आने के बाद इस तरह की मांग में बढ़ोतरी हुई, और लाल किले से भाषण देते हुए 15 अगस्त 2019 को मोदी ने कहा भी था कि जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी संकट पैदा करेगा। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाता हूँ, आप इस चीज को इस नजर से क्यों नहीं देखते हैं कि जो लोग आज जो पढ़ा लिखा वर्ग है या जो भी नए युवा है, आप देखेंगे तो वो बेसिकली वन चाइल्ड पॉलिसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और मुझे जनसंख्या वृद्धि कानून लाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि कानून इनका उसी प्रकार से एक मापदंड है जैसे इन्होंने रातों रात नोटबंदी कर ली थी। आप बिना किसी में जागरूकता लाए, बिना किसी को, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे हतोत्साहित होकर एक अजीब सा ना लोगों के अंदर भय पैदा होगा। अब आप जैसे कहेंगे कि 2 से अधिक इसके बच्चे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 2 से अधिक इसके बच्चे उसको ये लाभ नहीं मिलेगा, तो ऐसे सरकार जो है, ये सरकार संकट की तरह काम कर रही है। आपको पहले एक दायरा, इसका सीमित दायरे में आकर के लोगों में जन जागरूकता लानी चाहिए थी, लोगों की राय लेनी चाहिए थी। जनता के लिए कानून है ना, किसान आंदोलन की तरह आप थोप देंगे, आपने नोटबंदी की, इसी तरह आपने रातों रात लॉकडाउन लगा दिया। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि कोई भी कानून लाने में ये सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों करती है। विपक्ष से आप बुलाते नहीं है, सदन में चर्चा नहीं होती है, सर्दली बैठक होती नहीं है, बस आप एक तानाशाह की तरह डिक्टेटरशिप लागू करने के नजरिए से आप सीधे बस कानून ला करके थोप देंगे लोगों पे। अब मुझे एक बात बताइए, मोदी जी के खुद कितने भाई हैं? मोदी जी का अपना परिवार जो है, अगर मैं बात करूं तो उस हिसाब से तो मोदी जी को भी लाभ नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये कोई पैरामीटर और मानक नहीं है ना। आप किस दायरे में किस आधार पर रखेंगे लोगों को, सबसे जरूरी बात ये है कि इसकी जो बेसिक, आपका कहने का ये जो मतलब है वो ये है कि इससे पहले जो रिसर्च होनी चाहिए थी शायद वो रिसर्च अभी तक नहीं की गई है। अगर कोई रिसर्च होती तो वो सामने होती। मुझे नहीं लगता 4 IAS बैठ करके एक ड्राफ्ट तैयार कर देंगे और वो 125 करोड़ जनसंख्या जो हमारे भारत की है उनके ऊपर थोप देंगे, ये कौन सा अक्षम्य प्रयास है। अगर मैं यूपी की भी बात करूं, केवल 22 करोड़ जनता के ऊपर मात्र एक योगी जी ला करके एक कानून ऐसा थोप देंगे जिससे अगर वो जनता संतुष्ट नहीं है या उसका अगर एक चौथाई भी प्रभावित हो रहा है सीधे सीधे जनसंख्या समूह, तो आप बताइए ये कौन सा जनहित का कानून हुआ फिर। और मैं कानून का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ इतना कहा
कि आपको सर्वदलीय बैठक बुला के बिल पे चर्चा करनी चाहिए थी सदन में। आप इसके दुष्परिणाम भी देखेंगे आगे, क्योंकि इससे लोगों में डर और भय का वातावरण पैदा होगा, क्योंकि इस बिल के बारे में अभी से हम काफी कुछ सुन रहे हैं, हर मुंह से अलग बातें आती हैं सामने। और दूसरी बात, जिसका देखिए घर परिवार, देखिए जनसंख्या वगैरह एक ऐसा संवेदनशील विषय है, हम भारत की संस्कृति से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ पे जिस तरह से एक संवेदनशील विषय माना जाता है, आप अपनी नीति को किसी परिवार के ऊपर कैसे थोप सकते हैं, जबकि आपको पता ही नहीं कि घर परिवार चलाया कैसे जाता है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के कई मुद्दे जिसपे की योगी सरकार पूर्णतया फेल है, अब वो जनसंख्या और लोगों के घरों को कंट्रोल करने पे जा रही है। मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है। पहली बात, कोविड की तीसरी लहर की आशंका, देखिए वही बात है कि एक तरफ कोविड की तीसरी लहर की आशंका, दूसरी तरफ आप फिर लोगों के अंदर एक डर और भय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा संवेदनशीलता रखनी चाहिए और जनसंख्या कानून वो बनाए जिसके परिवार, घर परिवार की जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो। कम से कम आप चार आईएएस को बिठा के जनसंख्या कानून ड्राफ्ट ही कर सकते हैं। कानून कोई एक थाना पूर्ति वाले करने वाला कार्य नहीं है कि जब आपने चार लोगों को इसी कमरे में बिठा लिया और एक कागज के ऊपर चार लाइनें खींच दी। मुझे लगता है कि ये संवेदनशील विषय है, इससे पहले लोकसभा और सदन में चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। ठीक है आशीष जी, क्या वाकई में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी? अगर बैकड्रॉप में अगर बात की जाए तो क्या इस विषय पर, क्योंकि आपकी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, क्या आपसे किसी इस विषय पर कोई चर्चा की गई? क्योंकि ये तो हम बात अभी उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो क्या इसके बारे में कभी कोई चर्चा की गई है? देखिए, जब 1952 में नेशनल फैमिली प्रोग्राम को हमने अडॉप्ट किया था तो उसको लेकर चर्चा हुई थी, कंसल्टेशन ली गई थी, यहाँ तक की आवश्यकता के अनुसार विपक्ष को भी कंसल्ट किया गया था। किंतु जब इस उत्तर प्रदेश की सरकार 11 जुलाई को नेशनल पॉपुलेशन, सॉरी प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी को प्रस्तुत करेगी, तो क्या गारंटी है इसमें कि इसमें किन किन एनजीओ, सिविल सोसाइटी, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की कंसल्टेशन ली गई है या नहीं? क्या स्थानीय लोगों और स्थानीय प्रतिनिधियों का सुझाव लिया गया है? बिना लोगों का सुझाव लिए ऊपर से थोपना, ये लोकतंत्र में कदापि स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात में रेखांकित किया कि उस लोग, इसको लेकर मैं सहमत करता हूँ कि किसी भी प्रकार की नीति को आत्मसात करने से पूर्व उस पर आवश्यकता अनुसार शोधन होना चाहिए, क्योंकि बिना शोधन से लागू की गई नीतियां कदापि कारगर साबित नहीं होती। ये हमने जीएसटी और डिमोनिटाइजेशन को देख लिया है, तो क्यों उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार की तुगलकी फरमान नीति लाने जा रही है? सरकार को लोगों को इंश्योर करना होगा कि हमने क्यों नीति ला रहे हैं, इसका कारण क्या है और इसका परिणाम क्या होगा। जिस प्रकार से ला रहे हैं यह पूर्णतः रूप से आलोचनात्मक है। यदि आवश्यकता होती तो 11 जुलाई के स्थान पर आप असेंबली का सेशन बुलवाते और सेशन में इसको लेकर चर्चा करते, विपक्ष का सुझाव लेते और उसके पश्चात लागू करते, तो इसमें जन भागीदारी भी सुनिश्चित हो जाती। किंतु ये तुगलक की फरमान की तरह ला रहे हैं जिस प्रकार से पॉपुलेशन पॉलिसी, तो इसको लेकर तो हम प्रश्न खड़ा अवश्य करेंगे। ठीक है, अगर हम विवेक जी से पूछें, विवेक जी क्या ये इस समय पर लाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी तब जब 2022 के चुनाव एकदम नजदीक हैं, क्या ये राजनीतिक संकट है या सामाजिक संकट? ये जनसंख्या राजनीतिक समझिए ना सामाजिक समझिए, ये एक अपरिपक्व नीति का संकट है। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को, जिसको हालांकि राजनीतिक पटल से मैं अगर अलग 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 हट करके कहूँ तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत गंभीरता से इनको नहीं लेता, क्योंकि जिस व्यक्ति का ना घर ना परिवार, जिसका आपराधिक इतिहास हो और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आप मौजूदा दृश्यों को देख रहे हैं। लेकिन विवेक जी, अभी तो मुख्यमंत्री हैं, अभी तो आपको उनको गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। नहीं तो ठीक है ना, गंभीरता से लेने के दुष्परिणाम भी तो पूरा प्रदेश भोग ही रहा है। बहरहाल चलिए ठीक है, मैं मुद्दे पे ही आ जाता हूँ। देखिए, एक आम धारणा बनाई गई है बाकायदा राजनीतिक दलों के द्वारा कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो बात लोग दबे मुंह से कर रहे हैं। मैं आपको सार्वजनिक पटल पे स्पष्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने हमेशा हर वर्ग के उत्थान के दिशा में कार्य किया। भारत में गरीब और अशिक्षित तबकों में आने वाली किसी भी ज्यादातर परिवारों में बच्चों की संख्या का अनुपात किसी शहरी या शिक्षित परिवार की तुलना में ज्यादा रहता है, पहली बात। दूसरी बात, गांव में रहने वाले परिवारों में बच्चों की संख्या 2 से ज्यादा होना आम सी बात हो गई है। हालांकि कुछ सालों में आप देखेंगे इससे काफी कमी आई है और साक्षरता जागरूकता आने की वजह से ये हुआ है। आंकड़ों के अनुसार अगर मैं बताऊं, 2001 में हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि दर 19.92% थी, जो 2011 में घटकर 16.76% पे आ गई। इसी तरह 2001 में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 29.5 थी,
जो 2011 में गिर के 24.6% हो गई। मुस्लिमों में जनसंख्या की वृद्धि दर हिंदुओं की तुलना में 8% ज्यादा है, जबकि आंकड़ों के लिहाज से मुस्लिमों में जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा कम हुई है। लेकिन नेताओं द्वारा माहौल क्या बनाया जाता है कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो गलत है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, योगी जी का ऐतिहासिक पटल अगर आप उठा करके देखते हैं तो उनकी मानसिकता किसी भी कानून के द्वारा सीधे पहला तो हम ये मान ले विवेक जी कि ये जिस जनसंख्या नीति की बात हो रही है वो एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए की जा रही है। ये समुदाय विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको जिम्मेदारी से बताऊं, आप अगर अपने घर परिवार में, मेरे घर परिवार में जनरली देखेंगे तो हम लोग 1 और 2 child पॉलिसी पे ही बिलोंग करते हैं जो युवा है, ठीक। लेकिन इनके अंदर एक मानसिकता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो ये करते हैं, और इनके कई वक्तव्यों में आप ये चीज पाएंगे, भाजपा के नेताओं के कई आचरणों में आप ये चीज पाएंगे कि मुस्लिमों की जनसंख्या को लेकर इनको बड़ी चिंता है। तो ये एक प्रदेश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, ये एक समुदाय विशेष को प्रभावित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कभी पारसी की बात करते, आप क्यों नहीं कभी जैन की बात करते, आप क्यों नहीं कभी किसी ऐसे समुदाय की बात करते जिसको ईसाई कहा जाता है? कारण आप सिर्फ और सिर्फ कम्युनल राजनीति करते हैं। इनका इतिहास ही कम्युनल रहा है। आप देखेंगे इनके पुराने भाषणों को सुन लीजिए उठा करके, ये आज जो छवि सुधार का प्रोपोगेंडा करते हैं तो आप इनके पुराने भाषणों को ही उठा कर सुन लीजिए। इनके भाषणों में हिंदू मुस्लिम धर्म और इसके अलावा देशभक्त, इसके अलावा 4 बातों के अलावा इनको कुछ मिलेगा ही नहीं। आप एजेंडा तो होता ही नहीं है, एजेंडा विहीन जो पूरा काम है वो ये सरकार करने की तुली है। कोविड की तीसरी लहर से तैयारी की बातें नहीं हो रही है, कोविड की तीसरी लहर की बातें नहीं हो रही है। 10 तारीख को जो चुनाव है उसमें क्या सुरक्षा गारंटी देंगे ये कैंडिडेट्स को, प्रत्याशियों को, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जनसंख्या कानून इनके लिए इस समय जरूरी है क्योंकि ये इस आपातकाल का पूरा लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी, क्या वाकई में एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए इस बिल को लाया जा रहा है? देखिए, इसको लेकर तो मैं अवश्य कहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के स्टेट लॉ कमीशन ने कहा है, उत्तर प्रदेश के लॉ मिनिस्टर का जो बयान है कि हम 2 child पॉलिसी पर काम करने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। नंबर 2 पर अगर स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पॉपुलेशन को लेकर इतनी ही समस्या है तो हाँ, इस बात को लेकर हम भी सरकार का समर्थन करेंगे कि अवश्य जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, किंतु जिस तरीके से किसी स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में होगा, क्योंकि सभी समुदायों को समान अधिकार प्राप्त है। और तीसरी बात, जब आप उत्तर प्रदेश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे कि जिसमें सब सेंटर हो, प्राइमरी सेंटर हो या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, ये सारे के सारे सेंटर आज खस्ता हाल हालत में पड़े हुए हैं। सरकार को इनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, इंस्टेड की सरकार न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी लाने जा रही है तो ये कहीं ना कहीं दिखता है। और अभी ही क्यों मुझे बताइए, जब उत्तर प्रदेश टेस्ट असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है, असेंबली रिसेस में है, तब क्या लाने की आवश्यकता है? इंस्टेड ऑफ सरकार को हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारा यही कहना है कि किसी विशेष कम्युनिटी समुदाय के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, और यदि सरकार को चिंता है तो आप अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाइए, अपने अधिकारियों को आदेश दीजिए कि जिला स्तर पर प्रत्येक लोगों की सहभागिता के साथ समुदाय को लेकर जागरूक करने का कार्य करे, ना कि इस प्रकार से तुगलकी फरमान को लागू करके जिसको कहा जाता है वन साइड फिट फॉर ऑल पॉलिसी, ये डेमोक्रेसी में कभी भी स्वीकार्य नहीं है। ठीक है तो विवेक जी, क्या वाकई में मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक चीज बता दूं कि इस सरकार ने, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो मुद्दों की बात जहां तक है, इस सरकार ने जब से प्रदेश और राष्ट्र को अपने नेतृत्व में लिया है, इस देश के सामने संकट के सिवा मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐतिहासिक सफलता से जुड़ा कोई विषय प्राप्त हुआ इस देश को। मुझे नहीं पता कि ये सरकार की, इस सरकार के ग्रह नक्षत्र सही नहीं थे या इस देश की जनता का मति भ्रमित हो गई थी कि उन्होंने किस बेसिक आधारों को समझते हुए इस सरकार को चुन लिया। मैं अभी भी आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं आलोचना की राजनीति पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मुद्दों की बात अगर की जाए, बेरोजगारी से लेकर के आप देखेंगे कि ग्राम विकास खंड के किसी भी गांव में आप चले जाएंगे, किसी भी गांव के, तो वहां पे शिक्षकों की कमी है। ये आज तक जागरूकता नहीं ला पाए हैं गाँव के लोगों में। अभी आपने इसका ज्वलंत उदाहरण देखा कि किस तरीके से जब ये टीके लगाने गए तो गांव के लोग नदियों में कूद गए, और उसके बाद ये ठीक ना फोड़ते हैं विपक्ष पे। लेकिन बिल्कुल इसके लिए फॉलोअर जाता है, इसके लिए तो वो आपको जिम्मेदार ठहराते हैं कि आपने राजनीति की है।
मैं तो कह रहा हूँ ना कि इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव के अंदर के ऊपर भरोसा करने वालों की संख्या आपसे ज्यादा है, कि अखिलेश यादव जी ने अगर कुछ कह दिया तो उसको लोगों ने एकदम ब्रह्मलीक की तरह से समझ करके उसी को आत्मसात कर लिया, और आपकी सरकार इतने संसाधन और संस्थाओं के होने के बाद भी विफल रही लोगों को समझाने में। मतलब इनकी अपरिपक्वता का ज्वलंत प्रमाण ये है कि ये क्या कहते हैं और क्या करना चाहते हैं। अब आपको एक गलत उदाहरण देता हूँ, आप इसी से समझ लीजिए इनकी मानसिकता। अभी दो दिन पहले कुशीनगर भाजपा के आईडी से एक ट्वीट किया गया, उसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में जितने अपराधी मारे गए उसकी संख्या कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों से ज्यादा है। अब आप बताइए मुझे कि आप उत्तर प्रदेश की छवि अपराधियों से एक जोड़ करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश को आप आतंकवाद से जोड़कर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब इनकी कथनी करनी का तो छोड़ दीजिए, अब तो चरित्र हरण चीर हरण भी ये सड़क पे करने लगे हैं। ये तो राम का नाम लेने लायक लोग ही नहीं है, राम की आड़ में अपराधी पल रहे हैं और राम जी के नाम के ढाल के पीछे इनके अगर देखेंगे तो दुशासनों की फौज खड़ी है। और इसका ज्वलंत उदाहरण है ये, आपको ये आगे गायत्री प्रजापति जी का नाम लेते हैं जिनके किसी भी जांच में हमने कभी दखल नहीं दिया, लेकिन कुलदीप सेंगर से लेकर के चिन्मयानंद तक की गाथा जो है काले स्याही से काले पन्नों में इनके इतिहास में लिखी जाएगी। और मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, ये जो बिल लाने का प्रयास हो रहा है ये उसी तरह से एक अनैतिक बिल थोपने का प्रयास है जो कि इस पूरे समाज में विघटनकारी स्थिति पैदा करेगा। और दूसरी बात, अगर आप बिल लाने ही चाहते हैं तो पहले आप भाजपा के नेता मंत्री पदाधिकारियों के परिवारों की पूरी तथ्यात्मक विवरण को जनता के सामने रखिए और बताइए किस नेता को क्या लाभ नहीं देने वाले आप अपने किस पदाधिकारी को कौन सा लाभ नहीं देने वाले, क्योंकि भाजपा में ऐसा तो है नहीं कि दो से अधिक बच्चे नहीं है लोगों के। तो पहले आप मुझे बताइए कितने पदाधिकारी कितने नेताओं को इन्होंने अपने उस कैटेगरी के बाहर रखा है जिसमें उनके बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। आशीष जी, विवेक जी ने तो ये भी कहा है कि जनसंख्या इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है, आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में जनसंख्या मुद्दा नहीं है? देखिए, उनकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। भारत देश में वर्तमान में जनसंख्या अवश्य एक बहुत बड़ा विषय है और इसके ऊपर कानून भी बनना चाहिए, हम तो इसका समर्थन करते हैं, किंतु किसी विशेष समुदाय को टारगेट करना और उनको लेकर कानून लाना, आपने अतीत में देखा होगा कि किस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, किस तरीके से बिना लोगों की कंसल्टेशन के आर्टिकल 370 और 35 ए को एब्रोगेट किया गया, किस तरीके से देश में जिस प्रकार से कानून लाए जा रहे हैं बिना लोगों की कंसल्टेशन के, बिना रिप्रेजेंटेटिव के पार्टिसिपेशन से, ये देश की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और हम इसको लेकर इस सरकार का साथ नहीं देंगे। यदि आपको जनसंख्या या पॉपुलेशन पॉलिसी लानी है तो लाइए, लेकिन विपक्ष का साथ उनका सहकार लेना आवश्यक है। तो यानी कि जो जन भागीदारी है, आपका कहना है कि विपक्ष की जो भागीदारी है या जन भागीदारी है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। क्यों नहीं, क्योंकि एक मिनट सुन लीजिए, डेमोक्रेसी के तीन ट्री होती है जिसमें डिस्कशन डिबेट और डेलिब्रेशन होता है, तो ये सरकार इन पर विश्वास ही नहीं कर रही है तो किस प्रकार से हम अनुमति प्रदान करें। ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो विवेक जी, क्या वाकई में टाइमिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त कि जिस समय ये जनसंख्या बिल लाया जा रहा है, जनसंख्या नीति लाई जा रही है, क्या वाकई में क्या आप टाइमिंग पर भी सवाल खड़े करते हैं? आपने भाजपा के कार्यकाल को अगर देखा हो या इसकी कार्यप्रणाली को समझा हो, ये हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया प्रोपोगेंडा रचते हैं। जब कोई बड़ी घटना होती है और जब इनको लगता है कि उस मोर्चे पे ये विफल हो रहे हैं तो एक नया शगुफा छोड़ देते हैं। आप एक बात समझिएगा, इस बात को सारे राजनीतिक दलों के साथ इस देश के नागरिकों को समझना बहुत जरूरी है। भारत में गरीबी, अशिक्षा और जातीय राजनीति की वजह से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक लोगों को जागरूक और शिक्षित कर इस मामले का हल नहीं निकाला जाता, भारत के तकरीबन हर परिवार में लोगों की संतान के तौर पे पहली पसंद लड़का होता है, ये एक पारंपरिक विषय है। इस स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण कानून से आप उसके सबसे बड़ा जो विघटनकारी एक समस्या आएगी कि लड़कियों को गर्भ में ही मारने की घटनाएं बढ़ने का खतरा हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून, बिल्कुल, गर्भपात का जो मुद्दा है वो भी अब सामने आएगा, ये भी आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ठीक है, और खास करके इसमें क्या होगा कि जो जिस तरीके से अवैधानिक रूप से लोग कैसे कहने के लिए देखें बहुत कुछ है व्यवस्थाओं में, लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह से सिटी स्कैन या इस तरीके से भ्रूण की जांच की जाती है वो आज भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसे लेकर के सब बाकायदा हो रही है लगातार हो रही है। सत्य है, और ये सत्य है कि बड़े बड़े डॉक्टर इसमें शामिल है, हर अस्पताल लगभग जान पहचान के आधार पे लेकिन शामिल इस पे कार्य है, सभी संलिप्त हैं। क्या होगा, बिल्कुल, इससे क्या होगा कि
जो बच्चियां हैं उनके भ्रूण को समाप्त करने का पहले तो खतरा बनेगा, ठीक, पहली चीज। और उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से पहले सरकार को इसके दुष्प्रभावों को लेकर लोगों में व्यापक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता थी। जनसंख्या नियंत्रण कानून से जनसंख्यात्मक विकार पैदा होने का खतरा बढ़ सकता है, ये सरकार इस बात को नहीं समझना चाहती। और इस स्थिति में ये बात मान लीजिएगा कि भारत में बढ़ती जनसंख्या सामाजिक संकट से कहीं ज्यादा ये राजनीतिक संकट नजर आती है, क्योंकि अगर आप कानून जनता के लिए बनाते, अगर आप जनता के हित में कार्य कर रहे होते, अगर आप जनता से सरोकार रखते, तो आप एक तानाशाही मानसिकता के माध्यम से कानून थोपने का प्रयास नहीं करते। आप ये कहते कि हम बिल ला रहे हैं और सदन से इससे पहले चर्चा होगी। और आप कम से कम जनता का सुझाव लेते इसके ऊपर, क्योंकि ये जनसंख्या कानून कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं का संशोधन नहीं है, कोई संविधान के किसी अमेंडमेंट नहीं किया जा रहा है कि बस उसमें एक प्रावधान जोड़ दिया जाए। ये जनसंख्या कानून लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ परिवारों को सीधे सीधे प्रभावित करने जा रहा है, जिसकी आड़ में आप अपनी षड्यंत्रकारी राजनीति को केवल साधने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी, अगर जनसंख्या नीति पर बात नहीं होती है तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर वाकई में बात होनी चाहिए? बात देखिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि यदि आप पॉपुलेशन पॉलिसी के स्थान पर क्या यूपी स्टेट गवर्नमेंट के पास अन्य कोई मुद्दे हैं? मैं कहूंगा अवश्य है। नंबर वन एजुकेशन और हेल्थ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के जो हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हेल्थ और एजुकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सामने। अब बात आती है दूसरे नंबर की, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ सिस्टम हो एजुकेशन सिस्टम हो पूरी तरीके से बदहाली की अवस्था में है देश में, प्रदेश में। क्या आप मुझे आंकड़ा बता सकते हैं कि कितने लोगों में आज भी सेक्सुअल कॉन्ट्रासेप्शन जो साधन होते हैं उनको यूज करने को लेकर जागरूकता फैलाई गई है? क्या प्रदेश में सेक्सुअल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है? आप एक तरीके से वन साइज फिट फॉर ऑल तरीके से पॉपुलेशन पॉलिसी को थोप रहे हैं, उसको इम्पोज कर रहे हैं बिना लोगों को जागरूक किए, बिना लोगों को सेक्सुअल एजुकेशन दिए। और दूसरी बात, जब आप स्टेट में पॉपुलेशन पॉलिसी लाने जा रहे हैं तो क्या आपने यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को केंद्र में रखा है या नहीं रखा है? ये बहुत सारे प्रश्न है। जब 11 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री ये पॉपुलेशन पॉलिसी का मसौदा जब प्रस्तुत करेंगे तो आशीष जी, आपातकाल के समय क्या कुछ हुआ था देश जानता है ना। देखिए राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं, जब राहुल गांधी जी का एक कार्यक्रम चल रहा था प्रोफेसर कौशिक बासु जी के साथ, उन्होंने स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था कि इमरजेंसी सही नहीं थी, वो गलत थी। हम तो स्वीकार करते हैं। नहीं, इमरजेंसी के पीछे क्या कुछ खेल हुआ था उस वक्त मैं पूरी तरह से कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप समझते हैं इशारों में। देखिए ये पूरा देश जानता है, यदि आपातकाल गलत होगा तो सरकारें गिर नहीं जाती। कहां तक चली थी मुझे बताइए, सरकार मोरारजी देसाई जी की सरकार कहां तक चली थी? उसके पश्चात तो इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीती थी ना, तो देश जानता था। आपने भी माना है कि आपसे भी उस वक्त गलतियां हुई थी जिनमें सुधार किया गया है। ठीक है विवेक जी, एक मिनट जी, मुझे अपनी बात पूर्ण करने दीजिए। आपने इमरजेंसी का बताया, मैं बताता हूँ, इमरजेंसी लागू की गई थी वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का उपयोग करके, लेकिन वर्तमान में देश में कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करके खुद के कानून लागू कर रहे हैं लोग, ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, उससे भी भयावह। ठीक है, मैं नसबंदी की बात कर रहा था जब इमरजेंसी के दौरान आप ही के पार्टी के लोगों द्वारा जबरदस्ती पकड़ के नसबंदियां कराई गई थी, सभी लोग जानते हैं। ठीक है चलिए, कोई नहीं, जवाब मत दीजिए आप। विवेक जी, आशीष जी ने तो बता दिया, लेकिन आपकी नज़र में कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो वाकई में जनसंख्या नीति से आगे होने चाहिए और जिन पर बात होनी चाहिए? फाइनल कमेंट आप। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको आंकड़ों के साथ बता दूंगा कि जिस तरीके से बात केवल और केवल जनसंख्या की नहीं होनी चाहिए, और जनसंख्या से बड़े जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसपे कि ये सरकार बात ही नहीं करना चाहती है, और ऐसे मुद्दों में अगर आप आइए तो पुलिस रिफॉर्म बाकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बाकी है, 4,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती बाकी है, 32,000 बीसीए भर्ती को न्याय नहीं मिला आज तक, 4,000 उर्दू भर्ती की हालत तो ये है कि उर्दू भर्ती तो दोनों बेंचों के हाईकोर्ट से जीत चुकी है, उसके बाद भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, और 2486 दरोगा जो एक साल से ट्रेनिंग करके घर बैठे उनको आज तक नियुक्ति नहीं दे पाई है सरकार। इसके अलावा जो बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है 4.5 लाख में, तो पौने 2 लाख आंकड़े तो मैं आपको दे दूंगा जो केवल कागजों पे है। उसके बाद सबसे बड़ी बात समझ लीजिएगा,
आप जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं, आपने अभी देखा कि स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से लचर है। जब भी आप इनसे इन मुद्दों पे बात करने जाएंगे तो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। तो अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है तो क्या आपको चुनाव लड़ने के पहले ये बात पता नहीं थी? क्या उत्तर प्रदेश की 22-23 करोड़ जनसंख्या को आप खुद जाकर सर्विस दे रहे हैं? संस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपको उसका सही तरीके से प्रोफेशनली मॉनिटराइजेशन और इस्तेमाल करने नहीं आता। तो अब इसके लिए तो IIM के या तो MBA को ला करके बिठाया जाए, वो भी करने की इच्छा शक्ति इनकी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये कुटिल मानसिकता के पुराने राजनीतिज्ञ जो है, आज आके मंच से बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ और इसको आप टैगलाइन बना लीजिएगा, ये पुराने कुटिल मानसिकता के जो राजनीतिज्ञ है इनको आधुनिक वर्तमान परिवेश के नए नवयुवकों से बड़ा डर लगता है। इनको ये लगता है कि कहीं हमारी राजनीतिक रसूख को प्रभाव ना हो, प्रभावित ना हो जाए और हमारी राजनीतिक सत्ता का संरक्षण जो इतने सालों साल से प्राधिकरण के माध्यम से बचाया हुआ है उसको कहीं हमारे नीचे से सरकार न दिया जाए। उसका ज्वलंत उदाहरण आप देखे रहे होंगे। ठीक है, यानी आपका आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर है, डर का है। अगर डर नहीं होता तो ये मुद्दों पे बात करते आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता, विधायक, मंत्री या कोई पदाधिकारी क्या कोविड से मरे हुए किसी भी परिवार से मिलने गया, संवेदना व्यक्त करने गया? क्या किसी को मृतक राहत की राशि दी गई? क्या किसी भी कोई भी नेता इनका किसानों से मिलने गया? जो किसान आपके हमारे देश के हैं उनको आप खालिस्तानी आतंकवादियों से जोड़ते आए हैं? क्या आपने अपनी अपरिपक्व मानसिकता से कभी ये समझने का प्रयास किया कि इससे आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पे स्तर पे क्या छवि धूमिल हो रही है? क्योंकि उन्हीं के बच्चों से जाकर के हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम में आप विदेशी चंदे लाते हैं और उन्हीं बच्चों के पैसों से लाए पैसों से जो सरकार आप गवर्न कर रहे हैं, जो पार्टी आप चला रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को आपने सड़क पर बिठा रखा है। इतने लोगों की मृत्यु हो गई, किसी एक किसान के घर कोई संवेदना व्यक्त करने नहीं गया। मोदी जी इतने बड़े नेता बनते हैं और वो शिक्षा नीति और जनसंख्या नीति की बात करते हैं। आप ये बताइए, पारदर्शिता अगर इस सरकार में होती तो क्या किसानों से मिलने आज तक मोदी जी स्वयं क्यों नहीं गए? भाई आप जनता से है, जनता आप नहीं है, मोदी जी भारत नहीं है, भारत से मोदी जी है। ये बात इस सरकार को नहीं समझ में आ रही है, भूल चुकी है और इसका कारण है जो प्रचंड बहुमत मिला था वो इनके सर पे घमंड और अहंकार के रूप में बैठ गया है। तो ये जनता, मुझे लगता है जनता को इनसे सीख लेते हुए अपने मतदान का सही प्रयोग करना चाहिए और ये गलतियां सुधारनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी जनता से आह्वान करता हूँ कि कम से कम अपने आंखों के आंसुओं को बस सूखने देना। जो सड़क पे ऑक्सीजन लेकर के वेंटिलेटर के लिए लोग तरस रहे थे और आपसे मदद मांग रहे थे और आप उनपे FIR करवा रहे थे, तो मुझे लगता है कि ऐसी असंवेदनशील सरकार को जवाब देगी ये जनता ही देगी 2022 में। ठीक है, वो आने वाला वक्त बताएगा जवाब कैसे मिलेगा। आशीष जी, तो आप आज हमारे चैनल के माध्यम से, मैंने आपसे जिस इमरजेंसी के दौरान की बात कही थी जब संजय गांधी ने पकड़ कर लोगों की नसबंदियां कराई थी, आप उसके लिए माफी मांगेंगे? देखिए, वो इतिहास की बात है और काफी वक्त भी हो गया और पूरे देश को भी पता था कि उस समय क्या हुआ। वो भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया गया था, तब यही कहा गया था कि जनसंख्या नियंत्रित होगी इससे, पॉपुलेशन कंट्रोल कानून लाया गया था, लेकिन उस समय की बात है और उस समय पूरा देश जानता है कि क्या घटित हुआ था। तो उसको लेकर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना मेरे ख्याल से तार्किक नहीं होगा। हमें बात करनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार की कि जिस तरीके से पूरा देश आज इस सरकार के विरुद्ध में है और पॉपुलेशन पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनका मसौदा प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आप उससे सबक ले रहे हैं ना? अवश्य, हमने तो सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ हमारा जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने इतना कीमती वक्त निकाला। तो इस वक्त जो सवाल है वो यही है कि जनसंख्या नीति जिसकी बात की जा रही है और 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पेश करने जा रहे हैं, क्या वाकई में इस वक्त जरूरत है? अगर है तो फिर कितनी कारगर साबित होगी वो आने वाले समय में, या उससे पहले जिस जागरूकता को जन जन तक पहुंचाना चाहिए या जो जागरूकता लोगों में लानी चाहिए, क्या वो पार्टी या सरकार की तरफ से फैलाई जा रही है या उसके लिए कोई प्रयास भी किए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए हमारे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम TV।